वापी जीआरडीसी विस्तार में रूपया 10 करोड़ 18 लाख ना खर्चे तैयार थनार अंडरग्राउंड केबल लाइन की कामगिरी खातमुहूर्त राज्यना मंत्री कनुभाई देसाई हस्ते करवामां आव्युं हतुं। जीआरडीसी विस्तार में 11 केवी वीज लाइन 44 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल लाइन नाखवामां आवशे, जेने कारणे उद्योगों की साथ साथ 8000 जेटला रहेणाक मकानों ने पण वीजळीनी सुविधानो लाभ मळशे। आ कार्यक्रम में दक्षिण गुजरात वीज कंपनी अधिकारी उपस्थित रह्या हता। अपना लोक लाड़ेला वडाप्रधान माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जो ऊर्जा मंत्री श्री है, एमने समग्र भारत में जी वीजनी गुणवत्ता सुधरे, ओछा में ओछो वीजली लॉस ओछो थाय एना एक सुंदर योजना बनाई है और आ योजना अमल गुजरात सरकार सौ प्रथम बार करवा जा रही है और गुजरात सरकार प्रोजेक्ट पण केन्द्र सरकारे मंजूर कर्यो छे। त्यारे आपणे जीआईडीसी खाते आ वर्षो थी अंडरग्राउंड केबलिंग करवानो हतो, रस्ता पोड़ा थया परंतु थांभला अने लाइननी तकलीफ हती अने डीजीवीसीएल अने इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गुप्ता अपना एमडी थिन्नारासन साहेब अने समग्र गुजरात सरकारनी टीम जेमा अपना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले पण अमने घणो बधो सहकार आप्यो छे। ये काम माटे डीजीवीसीएल साथ मिली आ एक सुंदर प्रोजेक्ट आयोजन थे घना वक्त पेन्डिंग वापीना नोटिफाइड एरिया नागरिकों की एक जो तकलीफ थी अंत आयो है। नोटिफाइड एरिया हवे वधु में वधु ब्यूटिफाई बन से, स्वच्छ बन से अने लोकोने सातत्यपूर्ण वीजळी मळी रहेशे। आ माटे वीआईनी समग्र टीम कमलेश भाई अने पूर्व प्रमुख योगेश भाई मिलन भाई आ बधाए जे मेहनत करी छे एमने पण हूँ अभिनंदन आपू छू, वंदन करू छू अने साथे साथे हवे ये बीजा बधा प्रोजेक्ट पण आपणे आ रीते करीए एवी शुभेच्छा अने विनंती करू छू। सर, राज्यना अन्य विस्तारोमां पण आ रीते अंडरग्राउंड कामगिरी थशे? सरी गामनुं करवामां आव्युं छे अने खास करीने नानी जे आदिवासी विस्तारनी नगरपालिकाओ छे उमरगाम पार्टी अने धरमपुर खाते आ प्रोजेक्ट शुरू करवानी विचारणा करी छे। ખેડૂતોને જે વીજળી માટેનો જે પ્રશ્ન છે એના માટે સરકારે શું કર્યું? ગઈકાલે જ અમે આ માટેની વાત કરી છે, હવે દરેક ખેડૂતને 6 કલાક માટે સાતત્યપૂર્ણ વીજળી મળશે અને અઠવાડિયા પછી આ 6 કલાકમાં પણ વધારો કરવા માટેની બધી તૈયારીઓ થઈ છે અને એનો સુખદ ખેડૂતોને આનંદ થશે। ખાસ કરીને એવા લોડનો વધારો જે થશે એ લોડનું કઈ રીતે નિરાકરણ લાવશો? શાનો લોડ? લોડનું મેનેજ કરવામાં જે રીતે આપણે બધા એરેન્જમેન્ટ છે એ બધા આપણા પોતાના પણ પ્લાન્ટો છે એ બધા પ્લાન્ટમાં અમે કેન્દ્ર સરકારના ઉર્જા મંત્રી, કોયલા મંત્રી અને રેલવે મંત્રીને પણ મળીને ગુજરાતને નિયમિત રીતે કોલસો મળી રહે, આપણા બધા પ્લાન્ટ 100% કેપેસિટીએ ચાલે એ માટેની સર્વ તૈયારીઓ કરી દીધી છે। ટ્રાન્સપોર્ટ નગર બાબતની વાત કરી છે એ માટે શું કહેશો? કારણ કે વર્ષો જૂની માંગ છે સને।